राजस्थान में राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, क्योंकि एक सीट जो खाली हो चुकी थी, जो कैसी वेणुगोपाल है, जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, उनके लोकसभा सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हो गई है और वहां पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं। 21 अगस्त को नामांकन होगा। इसके लिए सियासत तेज है, क्योंकि जो 200 विधायक राजस्थान में हैं, 200 विधानसभा की जो विधायक आते हैं, जिसमें से 99 विधायक उसमें चाहिए और भाजपा के पास 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 66 विधायक है। अब देखने को ये है कि क्या कांग्रेस चेहरा उतारेगी या फिर भाजपा ही उसमें दाव खेल पाएगी। कैसी वेणुगोपाल के इस्तीफे के बाद अब सीट खाली हो गई है। कांग्रेस के पास वर्तमान में 5 राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं, जिसमें सोनिया गांधी, नीरज रांगी सहित 5 राज्यसभा सांसद है, तो भाजपा के पास 4 सांसद है और अब एक सांसद फिर से बन सकता है। तैयारी ये है कि इसमें कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, अलका गुज्जर हो या फिर अरुण चतुर्वेदी हो, यह दावेदार हो सकते हैं। जो सीट खाली हुई है, कैसी वेणुगोपाल जो लोकसभा सांसद बन गए हैं, उसके बाद से सीट खाली हुई और चर्चा जोरों पर बन गई है कि राजस्थान में राज्यसभा सीट का क्या होगा। दूसरी तरफ सियासी जो हलचले हैं, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, भाजपा के जो आलाकमान हैं वह इस पर जुटे हुए हैं कि किसे टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ चर्चा है कि जो सतीश पूनिया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। एक भाजपा में लंबे समय से काम करने का अवसर उन्हें मिला हुआ है और एक पार्टी वरिष्ठ नेता है, उन्हें मौका दे सकती है। दूसरी तरफ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनका नाम भी सियासी हलचलों में जोरों पर है। राजेंद्र राठौड़ जो हमेशा चर्चा में है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले हो, या फिर जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी राजस्थान में जोरों पर सियासत में रहे थे, चर्चाओं में जोरों पर रहे थे और पार्टी राजेंद्र राठौड़ का भी नाम आगे कर सकती है। एक महिला नेता, क्योंकि भाजपा के पास एक भी महिला नेता जो राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं है, तो भाजपा जो अलका गुर्जर है उनका नाम भी चर्चा में है। अलका गुर्जर पूर्व विधायक हैं, उन्हें भी उतार सकती है, उन्हें भी दावेदारी का मौका दे सकती है और अरुण चतुर्वेदी जो भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में माना जाता है, उन्हें मौका देने की तैयारियों में चल रही है। जिस तरह से लगातार राजस्थान की चर्चा जो हमेशा जोरों पर रही है, जो भाजपा 25 सीटें जीतने का दावा लोकसभा चुनाव में कर रही थी लेकिन 25 सीटें नहीं जीत पाई। अब दूसरी तरफ राजस्थान में उपचुनाव भी है, 6 सीटों पर उपचुनाव है और एक तरफ राज्यसभा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को भी साधेगी, जातिगत वोटर्स हैं उनको भी साधेगी और उपचुनाव में किस तरह जीत हासिल की जाए उसको खास तौर पर देखा जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा। वर्तमान में जो 4 सांसद भाजपा के पास है और अब एक सांसद फिर से हो सकता है। राजस्थान में भाजपा के पास 114 विधायक हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 66 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि 99 विधायक जो है उसमें राज्यसभा की जीत के लिए चाहिए और जब 3 सितंबर को चुनाव होगा और शाम को मतगणना होगी, उस समय साफ हो पाएगा कि कौन जीत रहा है, या फिर 21 अगस्त को जब नामांकन होगा तो पार्टी किसे मौका देती है। नामांकन से कुछ दिन पहले ही जो विधायक हैं उनकी बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी या फिर उन्हें इस तरह से समझाया जाएगा, पार्टी इस तरह साथ लेकर चलने वाली है कि किस तरह मौका देती है, किसे मौका देती है उपचुनाव को साधने के, या फिर साथ में पंचायती राज चुनाव है उनको देखकर कहीं ना कहीं मौका देगी, जिससे कि जो समीकरण है उनको साधा जा सके। जो चुनाव है उसमें जो नेता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं लुभाया जा सके। इस कारण जो सियासत है वहाँ पर चल रही है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वह इस तरह की चर्चा में जुटे हुए हैं कि किसी न किसे इस तरह से देखकर मौका देना होगा, जिससे कि पार्टी के हित में हो, पार्टी का फायदा हो और कहीं ना कहीं उनको पार्टी के हित का अनुभव हो। TV9 के लिए राजेश डांगी।